महिला पहलवानों के साथ था क्या उसको लेकर अब देश भर में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को लेकर खुशबू हो रही है। मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद मौजूद है। रात को जिस तरीके की चीजें हुई पहले उस पर क्या कहना है आपको? अब तो मैंने खुद बताया कि दिल्ली पुलिस की खुशबू हो रही है। मुझे दिल्ली पुलिस से ज्यादा जो इस देश की गरिमाएं पहचान इस देश की मान्यताएं रही हैं कि यहाँ महिलाओं को बेटियों को खूब सम्मान दिया जाता है पूजा जाता है उन जो है उस उनको जो ठेस पहुंची है भाई आप ये समझिए ये वो बेटियां हैं जिन्होंने देश को गौरवान्वित महसूस करा है। और एक खिलाड़ी एक दिन में तैयार नहीं होता उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कल उनके साथ जो रवैया हुआ उनको अपमानित किया गया गालियाँ दी गई मारपीट की गई और गलत तरीके छुआ गया। अगर रक्षक ही बरसक के रोल में आ जाए तो फिर न्याय कहाँ से हो सुरक्षा कहाँ से हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको प्रोटेक्ट करो उनको प्रोटेक्ट करने की जगह पुलिस ने उनको टॉर्चर जिम्मेदारी भी दिल्ली पुलिस को ही दी गई थी। मैं वही कह रहा हूँ जिनको जिम्मेदारी दी गई वही टॉर्चर करने पर आ जाए वही मारने पीटने पर गाली गलौज करने पर आ जाए तो आप समझिए कि सत्ता का संरक्षण इतना मजबूत है कि सुप्रीम कोर्ट को भी वो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसको भी पीछे हटा के वो बस कोशिश कर रहे हैं किस तरह से अपने सांसद को बचा। आपको क्या लगता है रात को ये धरना खत्म करने की कोशिश की कवायद थी क्या लग रहा है? मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे पहला हर प्रोटेस्ट का पहला चरण यही पहले कभी कुछ अन्य लोग आते हैं कभी कोई अन्य लोग आते हैं वो गोली चला देते हैं कभी कोई आता है वो मारपीट कर देता है कभी कोई आता है कोई नारा लगा जाता है जिससे आंदोलन बदनाम हो जाए और फिर पुलिस का रवैया हम लंबे समय से देख रहे हैं कि पुलिस मारपीट करती है पुलिस डिटेन करती है। रात की आपने देखा मीडिया के लोग क्या घुस पाए ऐसा क्यों हुआ? जंतर मंतर पे हम कुछ पत्रकारों को डिटेन किया गया। आप इस बात को समझो कि ये अघोषित इमरजेंसी है और ये दिल्ली में किसी गांव में नहीं है ये एक ऐसी इमरजेंसी है जो नहीं जिसको घोषित नहीं किया गया लेकिन सच ये है इससे एक विरोध भी पैदा हो रहा है जमीन में और किसी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा दबाओगे तो वो उतनी उससे ज़्यादा दुगनी ताकत से वो रिएक्शन करेगा। आप जितना इनको दबाओगे इन बच्चियों को जितना इनके शोषण करोगे जितना आप इनको डराने काम करोगे इनके हौसले मजबूत होंगे। देखो जब मैं जेल ले गया था ना तो मुझे जेल मेरे दिल में एक जेल का खौफ था जेल एक डर था। जैसे मैं जेल गया मुझे पता लगा यहाँ तो इंसान ही रहते हैं ये तो बहुत अच्छी जगह है ये तो सीखने की जगह आत्म चिंतन की तो मेरा हुआ निकल गया। जितना इनको टॉर्चर करेंगे जो उन्होंने नहीं सीखा सीख जाएंगे जब ये सीख जाएंगे फिर सरकार थोड़ी डरेंगे मतलब ये सरकार मजबूत कर रही है पहलवानों को ये इनको मजबूत कर रही है ये इसका जोर उनको अखाड़े में भी दिखाने का जोर मौका मिलेगा दांव पे चुनके बढ़ेंगे। लेकिन इससे जो सरकार की छवि और इन कार्यों से जो समर्थन पहलवानों के पक्ष में खड़ा हो रहा है वो ऐसा विस्फोटक होगा कि सरकार उसको नहीं समझ पाएगी। आप पहले भी आए थे अपना समर्थन दिया था और आज फिर आए हैं किसान आंदोलन की बात करें आप वहाँ पे भी गए थे बहुत सारे आंदोलन हुए आप वहाँ पे भी गए। आपको लगता है देश में जिस तरीके के हालात बनाए जा रहे हैं या बन रहे हैं ये राजनीति है या साजिश? अगर हम एक लाइन में बात करें अगर पहली एप्लीकेशन पे पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और जिस तरह से न्याय सम्मत कानून सम्मत कार्रवाई होती वो हो गई शायद ना ये यहाँ बैठे हो तो ना कोई उनकी मदद को पिछली बार भी आए थे इन्होंने मना किया कोई नहीं आया। राजनीति देखो ये सरकार का सोचा समझा हुआ है कि इसको बार बार कहा जाए कि राजनीतिक लोग जा रहे हैं। राजनीतिक लोग बेसिकली हैं कौन उनके पास से आए हैं उनके पास क्या है उनके पास एक संगठन है उनके पास एक ग्राउंड है उनके पास एक मोब है जो जहाँ तक उनके द्वारा जब उनका नेता कहता है वो बात जाती है विचारधारा है तो इसलिए सरकार डरती है कि राजनीतिक दल शामिल ना और राजनीतिक दल की जिम्मेदारी अगर सरकार द्वारा कहीं अन्याय हो या कोई भी अन्याय हो वो उस पर अपनी आवाज़ उठाए तो हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। मैं पिछली बार आया था मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि सरकार इतनी गिर जाएगी इस हद तक गिर जाएगी अपने एमपी को बचाने। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो उनकी सुनवाई चल रही थी